इस वीडियो में हम मोबाइल नेटवर्किंग जनरेशन 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है मोबाइल की फर्स्ट जनरेशन 1G 1980 को लॉन्च हुई थी 1G में सिग्नल का यूज किया जाता था इस जनरेशन में हम केवल कॉल ही कर सकते थे इसमें हम टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते थे इसकी स्पीड टू पॉइंट पर सेकेंड थी इस जनरेशन में हम इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते थे इस जनरेशन के मोबाइल इस टाइप से दिखते थे इन मोबाइलों का शेप बड़ा होता था और ये हैवी होते थे इनकी जो बैटरी क्वालिटी थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी और इनकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी इनकी सिक्योरिटी भी बहुत खराब थी तो अब हम टू जी जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं टू जी जनरेशन नाइनटीन नाइनटीन को लॉन्च हुई थी इसमें डिजिटल सिग्नल का यूज होता है जनरेशन में कॉलिंग मैसेज सेंड करना इमेज वीडियो सेंड करना पॉसिबल था टू जी जनरेशन में ही इंटरनेट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें इंटरनेट स्पीड सिक्सटी फोर किलो बाइट पर सेकेंड थी इसमें हम वेब ब्राउजर चला सकते थे बट इंटरनेट स्पीड कम होने के कारण ब्राउजर में बफरिंग होती रहती थी और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी इस जनरेशन की ऑडियो क्वालिटी अच्छी थी इस जनरेशन के मोबाइल फोन इस टाइप से दिखते थे इन मोबाइल फोनों में कैमरा भी होता था अब हम थर्ड जनरेशन थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे थ्री टेक्नोलॉजी टू में लॉन्च हुई थी इसकी इंटरनेट स्पीड वन फोर्टी पर सेकेंड से टू मेगा पर सेकेंड थी थ्री के थ्रू हम वीडियो कॉलिंग बिग फाइल ट्रांसफर हेवी गेमिंग प्ले कर सकते हैं। 3G के लॉन्च होने के टाइम पे ही मल्टीमीडिया फोन स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए थे तो अब हम 4G के बारे में डिस्कस करते हैं 4G 2009 में लॉन्च हुआ था 4G जी की इंटरनेट स्पीड 100 मेगाबाइट पर सेकेंड से 1 गीगाबाइट पर सेकेंड है इसके थ्रू हम एच में वीडियो कॉलिंग हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं तो अब हम फाइव के बारे में डिस्कस करते हैं फाइव जी में लॉन्च हुआ था फाइव की इंटरनेट स्पीड दस गीगाइट पर सेकेंड है फाइव के थ्रू ही वर्चुअल रियलिटी और रिमोट सर्जरी पॉसिबल हुई है ज्यादा इंटरनेट स्पीड होने के कारण हम बहुत सारे डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं फाइव के थ्रू हम रियल टाइम डाटा ट्रांसफर करके स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी क्रिएट कर सकते हैं यह था एक्सप्लेनेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्किंग जनरेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए